नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में किया था सिंप्लीफिकेशन, उसी के कुछ क्वेश्चंस जैसे कि आप सामने देख रहे हैं, इस टाइप के क्वेश्चंस जो कि मिलते हैं हमें, अंडर रूट सेवन प्लस अंडर रूट फाइव डिवाइड बाई अंडर रूट सेवन माइनस अंडर रूट फाइव प्लस अंडर रूट सेवन माइनस अंडर रूट फाइव, इस टाइप का अगर क्वेश्चन जो है आपको मिलता है अंडर रूट सेवन प्लस फाइव, इस साइड का उल्टा लिखा हुआ है और बीच में क्या है आपका साइन प्लस का है। तो दोस्तों इस टाइप के क्वेश्चंस को आपने जो सिंप्लीफिकेशन करना है वो आप डायरेक्ट ध्यान रखेंगे इसको, जो है जो यहाँ नंबर है इसके अंदर ये इसके अंदर जो ये नंबर है सीधा डायरेक्ट हम क्या करेंगे इसको ऐड कर देंगे, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर, ये हमारा क्या हो जाएगा इसका आंसर। ये ध्यान रखना कि ये प्लस है यहाँ पे साइन, अगर ये माइनस है जैसा कि नीचे वाले क्वेश्चन में दिया गया है आपको, अगर ये माइनस है तो इस केस के अंदर हम क्या करेंगे इस कंप्लीट फैक्टर को उठाएंगे, इस कंप्लीट फैक्टर को उठाएंगे, ये कंप्लीट फैक्टर इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे इनके साथ में टू, तो इसके साथ में टू मल्टीप्लाई करने में टू अंडर रूट सिक्स, इसका मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो अंडर रूट सिक्स हो गया, तो ये हमारा दोस्तों क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसे कि यदि x इक्वल टू रूट थ्री प्लस वन रूट थ्री माइनस वन व y इक्वल टू रूट थ्री माइनस वन बाई में रूट थ्री प्लस वन हो तो x स्क्वेयर प्लस y स्क्वेयर की वैल्यू होता है दोस्तों। तो इस केस के अंदर दोस्तों हम डायरेक्ट रहेंगे, बिल्कुल देखो ये इसके अंदर प्लस का साइन लगा हुआ है और वो वैसा ही बिल्कुल ऊपर वाले जैसा ही बिल्कुल प्लस का साइन और ये नंबर, तो इसको हम क्या करेंगे फर्स्ट नंबर आपका क्या है थ्री, थ्री प्लस में वन कितना हो गया फोर, उसको दोस्तों फिर क्या करेंगे देखो अब यहां स्क्वायर लगा हुआ है तो इसको हम स्क्वायर करेंगे, और इस टाइप के क्वेश्चंस के अंदर जिसमें स्क्वायर लगा हुआ हो तो हम क्या करते हैं उसमें से दो माइनस कर देंगे, क्या हो गया फोर की पावर टू सिक्सटीन और में से टू माइनस होगा तो हमारे पास में आ जाएगा फोर्टीन, ये फोर्टीन क्या हो जाएगा इस टाइप के क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। देखो नेक्स्ट करते हैं, इसमें और इसमें क्वेश्चन में कोई भी अंतर नहीं है, यहाँ पे वैल्यू अलग दी गई है और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू निकलवाई गई है, यहाँ पे क्या है वैल्यू पहले ही दे दी गई है, तो इस टाइप की वैल्यू में हमारे पास में वही जो यहाँ वैल्यू है वही, तो रख देंगे इसको थ्री प्लस टू कितना हो गया फाइव, फाइव का स्क्वायर माइनस में टू कितना हो गया ये ट्वेंटी थ्री, तो ये हमारा क्या हो जाता है आंसर हो जाता है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस अगर आते हैं दोस्तों हम इस तरीके से करेंगे। नेक्स्ट टाइप है दोस्तों ये, अगर आपके पास में इस तरीके से दिया गया है अंडर रूट फाइव माइनस में अंडर रूट थ्री अंडर रूट फाइव प्लस में अंडर रूट थ्री डिवाइड बाई में, तो ये दिया गया है तो इस टाइप के क्वेश्चन से हम क्या करते हैं जो भी नंबर है उसको हम डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा आपके पास में अंडर रूट फिफ्टीन। अब अगर यहां माइनस दिया गया है ये यहाँ बीच में, तो हम क्या करेंगे जो ये नंबर आया उसको फोर में से माइनस कर देंगे, ये हमारे पास में क्या हो जाएगा आंसर। इसी का अपोजिट कि यहां प्लस दिया गया है तो इसको भी क्या करेंगे वही तरीका है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे अंडर रूट फिफ्टीन हो जाएगा, और फिफ्टीन को अगर यहां प्लस दिया गया है तो क्या करेंगे फोर के अंदर इसको प्लस कर देंगे, तो ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। अगर इस टाइप के क्वेश्चंस दोस्तों आपके सामने एग्जाम के अंदर आते हैं तो ये फॉर्मूला यूज कीजिएगा, आसानी रहेगी। अगर मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आई है तो अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिए, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।